अब बात करेंगे महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की, जहां पर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लोगों के लिए नाराजगी व्याप्त है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के में लोगों में काफ़ी नाराजगी व्याप्त है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार के लिए कमर कस चुके हैं। तो वहीं कई बार प्रचार के दौरान कई जगहों पर राजनेताओं को सार्वजनिक रूप से जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर तो ग्रामीण सत्ता पक्ष से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हिंगोली जिले के कारवाड़ी में ग्रामीण अभी भी रास्ते और सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें किस तरह से जो स्थानीय रहवासी हैं उनको कीचड़ में जाने आने को मजबूर है, क्योंकि जो रास्ते हैं पूरी तरह से बद से बदतर हैं और बीमार पेशेंट को लोग खाट से उठाकर ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ना तो एम्बुलेंस जा सकती है ना ही गाड़ियां जा सकती हैं, क्योंकि रास्ते बद से बदतर हैं, रास्ते पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हैं, रास्तों में जो है कीचड़ जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी नाराजगी है, क्योंकि राजनेता अब चुनाव आ गया है और प्रचार प्रसार के लिए आएंगे, ऐसे में लोग काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित हैं और लोग राजनेताओं से और सत्ता पक्ष से काफ़ी नाराज हैं। आम्ही काही काशी उपेशन केले प्रशासनाला, अजूनही आमच्या इथं घाम फुटला नाही प्रशासनाला। आम्ही आज आमच्या गावातल्या एका मुलीला काल नेलं, आज आमच्यावर अशी चीड आली, एका मुलीला दुर्पता गजानन पोटे, आम्हाला आज भी चालत पायी पायी नांदापूरपर्यंत।